ग्वालियर में विजयदशमी के मौके पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आरंभ में उपस्थित अतिथियों ने वैदिक मंत्रों के साथ परंपरागत ढंग से शस्त्र पूजन किया। इसके उपरांत सभी ने एक दूसरे को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। आईजी अरविंद सक्सेना, डीआईजी अमित सांघी, एसपी धर्मवीर सिंह, कलेक्टर रुचिका चौहान आदि ने इंसास राइफल से फायरिंग की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि शस्त्र पूजन शक्ति का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई नवाचार किए हैं और रक्षाबंधन सहित हरेक पर्व को शासन प्रशासन के माध्यम से जन हितैषी कार्यों से जोड़ा है। इसी कड़ी में नव दुर्गा महोत्सव के बाद विजयदशमी को भी जोड़ा गया है और हरेक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को इन कार्यक्रमों में शामिल होकर जनता से जुड़ने का आह्वान किया है। दशहरा हमारे लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन भगवान श्री राम जी ने विजय प्राप्त की और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दिन के अवसर पर जिस तरह से सत्र पूजन का कार्यक्रम हमारे डीआरपी लाइन में रखा गया, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा ऐसे कई नवाचार इस मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं, चाहे रक्षाबंधन का पर्व हो। हर पर्व को सरकार, शासन और प्रशासन से जोड़ के पर्व को मनाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस शस्त्र पूजन का भी, विजयादशमी का पर्व भी उसी कड़ी में जुड़ा है कि जनप्रतिनिधि भी इस कार्य में शामिल हों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ में पुलिस विभाग के जिला कलेक्टरों के साथ में ये शस्त्र का पूजन आज मध्य प्रदेश में भव्यता के साथ में हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश थे और हमारे पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश थे, उन निर्देशों के अनुक्रम में आज पुलिस लाइन ग्वालियर में सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे आईजी साहब, डीआईजी साहब, ग्वालियर पुलिस के सभी अधिकारीगण, इन सबकी उपस्थिति में बहुत ही गर्मामय तरीके से शस्त्र पूजन का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। श्री रामलीला समारोह समिति है लश्कर ग्वालियर के द्वारा परंपरागत तरीके से दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त जो मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी मतलब जो है यहाँ पे जलाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने बताया है थाना प्रभारी और उनके अधीनस्थ स्टाफ को, उसमें ये स्पष्ट किया है कि ये जो रखे जाते हैं इनके जो पुतले, उसको चारों ओर से बैरिकेडिंग इस प्रकार से कर ली जाए ताकि उनके हाइट के बराबर आगे बैरिकेडिंग रहे और पीछे स्थान पे भी बैरिकेडिंग रहे, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना जो है नहीं घटित हो। यानी जब उसको जलाया जाता है उसमें आतिशबाजी भी रहती है, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक आते हैं और देखते हैं पूरा रावण दहन को, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।